तो दोस्तों आज का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी रेडीमेड डोरी की और कुछ मोतियों की, और ये हमारी बुकरम है, इस पर हम अपना नेक कट करेंगे। दोस्तों ये नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है और आप इस नेक डिज़ाइन को अपने लिए एक बार ट्राई ज़रूर करें। दोस्तों हमने अपनी बुकरम की लंबाई ली हुई है 7 इंच और चौड़ाई ली हुई है 15 इंच। इसके बाद हम अपनी नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे, तो हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है 7 इंच, तो 7 इंच का आधा करके हम 3.5 पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपने नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे जो है 3.5 इंच। इसके बाद अंदर की तरफ हम अपनी एक सेफ देंगे, देखिए इस प्रकार से। अब हम बाहर की तरफ 1/2 इंच पर अपनी निशान लगाएंगे चौड़ाई का। और ये निशान लगाने के बाद में बाहर की तरफ हम एक निशान और लगाएंगे जिसकी चौड़ाई होगी दोस्तों 2 इंच। और इस निशान को लगाने के बाद में अब इस निशान से बाहर की तरफ हम 1/2 इंच पे एक निशान और लगाएंगे। और अब इसके बाद हम अपने निशानों पर सेम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारा जो एक नेक है वो कुछ इस प्रकार से कट गया है। इसके बाद दोस्तों हम इसे भी सेम निशान पर कटिंग करेंगे। तो देखिए यहां पर हमारा एक नेक ये है और एक ये बड़ा वाला नेक है। दोस्तों इसके बीच का जो पैटर्न है इस पैटर्न को आपको फेंकना नहीं है क्योंकि इसका भी यूज़ है। इसके बाद दोस्तों हम अपने इस वाले नेक को, बड़े वाले को, कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपकाकर नॉर्मल तरीके से बना लेंगे जैसे कि बनता है। तो दोस्तों नॉर्मल तरीके से नेक बनाने के साथ साथ हम आपको डोरियों की लूप को अंडरग्राउंड लगाना भी बताएंगे। अंडरग्राउंड लूप लगाने से दोस्तों आपका नेक जो है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा और आप अंडरग्राउंड लूप लगाना भी सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको लेना होगा ये वाला पैटर्न जो कि नेक के बीच में से निकला था, और आप अपनी कुर्ती को इस प्रकार से खोल लेंगे। खोलने के बाद में देखिए ये सीधा भाग है कुर्ती का, और सीधे भाग के ऊपर ही आपको अपने इस वाले पैटर्न को इस तरीके से सेट करना होगा। और सेट करने के बाद में दोस्तों आपको इसकी बाहर की तरफ चाक से मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी ये मार्किंग हो गई है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें अपनी कुछ मार्किंग और करनी है। तो कुछ मार्किंग करने के लिए आपको सबसे पहले 20 सेंटर, देखिए कुर्ती का हमारा 20 सेंटर है, इस 20 सेंटर से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर मार्क लगाना होगा। अभी हमने 1-1 इंच का मार्क लगा लिया है, आप अपने इस मार्क से 2 इंच इधर और 2 इंच 2 इंच 2 इंच 2 इंच सब 2-2 इंच पर अपने निशान लगा लेंगे। तो ये हमने अपने निशान लगा लिए हैं, और इसके बाद दोस्तों हम अपनी लूप लगाएंगे इनके ऊपर, देखिए किस प्रकार से। ये हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में इनका जो गोलाई वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ इस तरीके से सेट करेंगे। ये देखिए सारे निशानों पर हम इसी तरीके से अपनी लूप को फिट कर देंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको लूप इस प्रकार से सेट करनी है कि बाहर की तरफ आपकी सिर्फ 1/4 इंच ही दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी सारी लूप लगा ली है, और इसके बाद हम अपनी इस वाले नेक को इसके ऊपर रखेंगे, और रखने के बाद में पहले 20 सेंटर पे कच्ची सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद फिर बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगाकर नॉर्मल तरीके से नेक को बना लेंगे। और अब इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक को जब अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करने के बाद में ये जो हमारी लूप है देखिए यहाँ पर अंडरग्राउंड आ चुकी हैं। इसके बाद हम अपने पूरे नेक को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, और फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेंगे।
तो देखिए प्रेस लगाकर हमारे नेक का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। और इसके बाद दोस्तों हम तैयार करेंगे अपने इस छोटे वाले नेक को, जिसको हमने कुर्ती के कपड़े पर चिपका लिया है और थोड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इसको तैयार करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपको लेना होगा एक कपड़ा और। तो एक कपड़ा और जब आप लेंगे तो नीचे रखेंगे और नेक को इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद में बुकरम के अंदर बराबर बराबर सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा मार्जिन को हम काट देंगे थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए। और इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ये हमारे नेक की बाहर वाली गोलाई है, इस गोलाई से हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इस पर प्रेस लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो दोस्तों मार्जिन फोल्ड करने के बाद में आपको इसमें क्या करना है, आपको इस मार्जिन को हटाना है, और हटाने के बाद में इस तरीके से देखिए पूरा खोल देने के बाद इसे अंदर करना है। और अंदर करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमारी एक गैपिंग आ रही है, इस गैपिंग के बीच में दोस्तों आपको अपनी छोटी छोटी लूप लगानी है। दोस्तों ये जो लूप लगेंगी वो अंडरग्राउंड लगेंगी, और अंडरग्राउंड लगाने से दोस्तों आपका ये फ़ायदा होगा, आपके नेक में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, और फिनिशिंग के साथ साथ आपका नेक भी बहुत खूबसूरत बनेगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ले लेना है एक पेपर और ये वाला अपना ये पैटर्न। इस पैटर्न को इस तरीके से आप अपने पेपर पे सेट करेंगे, और सेट करने के बाद में यहाँ पर और यहाँ पर मार्किंग सेम तरीके से कर लेनी होगी। तो ये हमने अपनी मार्किंग कर ली है, और मार्किंग करने के बाद में आपका जो ये बाहर वाला निशान है, इस बाहर वाले निशान से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए पेपर की कटिंग एक्स्ट्रा कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम अपने पेपर पे कुर्ती को सेट करेंगे। तो कुर्ती को सेट करने के लिए जो ये हमने अपने निशान लगाए हैं बाहर वाले, इस निशान को छुपाते हुए हम अपने नेक को इस तरीके से पूरी सिलाई मारकर अटैच कर देंगे। तो दोस्तों पेपर को नेक में अटैच करने के बाद में आपको लेना होगा अपना ये छोटा वाला नेक, इसको इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे। और सेट करने के बाद में जो ये देख रहे हैं आप, इसके बीच में हमारी जो गैपिंग तैयार हुई थी, इस गैपिंग के बीच में दोस्तों हम अपनी ये अंडरग्राउंड लूप बनाकर इस तरीके से लगाएंगे। लगाएंगे कैसे, जो ये हमारी लूप लगी है इनके ठीक सामने सामने हम अपनी लूप लगाते हुए पूरी अटैच करेंगे। ये लूप भी दोस्तों आपको बाहर की तरफ सिर्फ 1/4 इंच ही दिखानी है। अब दोस्तों इसी तरीके से हम अपनी सारी लूप एक दूसरे के सामने अटैच कर देंगे। और इसी तरह के दोस्तों आपको खूबसूरत डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइंस एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिज़ाइंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों मोती और डोरी डालने के साथ साथ हमने अपने नेक पर एक लेस भी लगा दी है, जिसकी वजह से हमारे नेक की जो खूबसूरती है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब से आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइंस एक साथ देखने को मिलेंगे।